हेलो एविवन वेलकम बैक दिस इज तृप्ति एंड यू आर वॉचिंग एंड पी सी द चैनल वेर यू कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड टूडे वी आर गोइंग टू डील वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज द इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी ओके ये जो टर्म है वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अब इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है सारी चीज़ें आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे ओके okay, सो so लेट्स बिगिन अवर क्लास इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी तो हमने लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में ये देखा है सपोज आपके पास एक पॉइंट है ओके अ पॉइंट ए एंड एट दिस पॉइंट अ पॉजिटिव चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस आर देर इज अनदर पॉइंट पी एंड एट दिस पॉइंट वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ओके मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या होगी तो हमने ये लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डिफाइन किया था इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर ओके एंड पोटेंशियल भी डिफाइन किया था के क्यू बाई आर ओके इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ये दो टर्म आपने डिफाइन की थी लास्ट के वीडियो लेक्चर्स में बट नाउ क्वेश्चन अराइजेस वॉट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट दिस पॉइंट ओके एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ओके सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज के लिए डिफाइंड नहीं है इट इज डिफाइंड फॉर द सिस्टम ऑफ चार्जेस ओके मीन्स टू और मोर देन टू चार्जेस आपके पास होना चाहिए तभी आप इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं ओके मीन्स सपोज आपके पास टू चार्जेस हैं क्यू वन पॉजिटिव चार्ज एज वेल एज क्यू टू पॉजिटिव चार्ज ओके मीन्स अभी हम हमारे अंडरस्टैंडिंग uh, के लिए टू इक्वल चार्जेस ले रहे हैं टू लाइक चार्जेस ले रहे हैं क्यू वन एज वेल एज क्यू टू ओके अब ये चार्जेस कैसे हैं पॉजिटिव चार्ज है मिस लाइट चार्जेस है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे सो हियर द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स बिटवीन दिस टू चार्ज एफ ई इज इक्वल टू क्या होगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर इफ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज क्यू वन

सपोज आपने क्यू टू चार्ज पर वर्क किया क्योंकि सिंगल चार्ज पर क्यू वन पर तो कोई वर्क नहीं करना है आपको आपको करना है क्यू टू को इसके पास लाना है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स जो है वो अगेंस्ट डायरेक्शन में वर्क करेगा बट आपको लाना है क्यू वन के पास क्यू टू को तो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स के अगेंस्ट आपको जाना पड़ेगा एंड दैट इज द वर्क डन इज स्टोर्ड इन द पोटेंशियल एनर्जी ये जो वर्क डन है आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जाकर कर रहे हैं दैट वर्क डन इज स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी मीन्स आप कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आप एक टर्म है वो नहीं बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओके सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी को यू से डिफाइन करते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द नेगेटिव वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स और वी कैन से इलेक्ट्रो स्टेटिक फोर्स मीन्स इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स यहाँ पर जो भी लगा है उसके अगेंस्ट या फिर उसको नेगेटिव कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी ये डरम समझ में आ रहे मीन्स क्या है कि अगर आपके पास टू चार्जेस का एक सिस्टम है ये कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास टू चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू का तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए क्यू टू को क्यू वन के पास लाने के लिए वर्क करना पड़ेगा एंड ये जो वर्क डन है ये स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी में ओके सो द पोटेंशियल एनर्जी और वी कैन से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ओके नेगेटिव वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स और वी कैन से इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है उसने जो वर्क किया है वही वर्क डन को आप नेगेटिव कर दें तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल एनर्जी ओके अब इस डेरीवेशन को हम कैसे समझते हैं कैसे करते हैं वो देखिए ठीक है सपोज तो आपने एक चार्ज क्यू वन लिया जो कि पॉइंट ए पर फिक्स्ड है क्या किया फिक्स रखा है क्यू वन चार्ज को आपने पॉइंट ए पर फिक्स रखा हुआ है ठीक है अब पॉइंट ए से मीन्स क्यू वन से चार्ज क्यू वन से आ डिस्टेंस पर एक अनदर चार्ज क्यू टू है पॉजिटिव चार्ज है ठीक है हमने हमारे कॉन्फ़िगरेशन में पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं सो आपको डेरिवेशन के लिए भी हमें पॉजिटिव चार्ज लेना है ठीक है पॉजिटिव चार्ज Q2 है जो कि Q1 से आर डिस्टेंस पर है ओके okay, क्लियर है नाउ द फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में वर्क करेगा एंड इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स क्या होता है ये हमने लिखा हुआ है टू चार्जेस के लिए के क्यू वन क्यू टू बाई आर अब क्या करते हैं ये जो टू चार्जेस हैं ये जिस लाइन ऑफ जॉइनिंग पर है मींस ये लाइन आप देख रहे हैं इस लाइन पर है तो इस लाइन के अलोंग आप टू पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं बी एंड दिस पॉइंट विल बी सी ओके मीन्स ये जो है वो इनिशियल पॉइंट है बी एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट आपके पास इस तरह से कंफेग्रेशन आ गया कि पॉइंट ए पर पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो इनिशियल स्टेट है या इनिशियल स्टेज है वो पॉइंट बी है ठीक है और पॉइंट बी जो इनिशियल पॉइंट है वो आर वन डिस्टेंस पर है क्यू वन क्यू क्यू टू से ओके एंड अनदर कन्फिग्रेशन में ये कन्फिग्रेशन कौन सा है आपका इनिशियल ठीक है ये है इनिशियल एंड फाइनल के लिए पॉइंट ए से आर टू डिस्टेंस पर आप पॉइंट सी कंसीडर करते हैं ठीक है यहां पर क्यू वन एंड क्यू टू एंड हियर इज पॉजिटिव क्यू वन एज वेल एज क्यू टू ये फाइनल स्टेट है मीन्स आपको इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा Q1 वन एंड क्यू के बीच में इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स अप्लाई होगा और इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इस डायरेक्शन में क्योंकि रिपेल करेगा बट आपको Q2 को Q1 के पास लाना है तो अगेंस्ट इस फोर्स के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा एंड दैट वर्क और दैट फोर्स इज द एक्सटर्नल फोर्स ठीक है इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा क्यों करना पड़ेगा क्योंकि आपको चार्ज Q2 को B2C स्मॉल स्टेप्स में लाना है जिससे कि उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना हो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में अगर चेंज हो गया तो वर्क डन जो है वो काइनेटिक एनर्जी में वेस्ट हो जाएगा आपको वर्क डन जो टोटल वर्क डन है वो पोटेंशियल के फॉर्म में मेज़र करना है तो आपको काइनेटिक एनर्जी में चेंज काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या लेना होगा ज़ीरो ओके क्लियर है यहाँ तक अब ये कन्फिग्रेशन इनिशियल है ये कन्फिग्रेशन क्या है फाइनल है ठीक है नाउ अब हम क्या करते हैं कि पॉइंट ए से आर डिस्टेंस पर तो आपका क्यू टू चार्ज है ठीक है यहां से आप स्मॉल डिस्टेंस लेते हैं डी आर ठीक है वेरी स्मॉल डिस्टेंस लिया ठीक है फर्दर आर डिस्प्लेसमेंट विल बी डी आर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या फिर इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट इज डी आर क्योंकि फोर्स किस पे डिपेंड करता है डिस्टेंस पर आर पर डिपेंड करता है और बी और सी पॉइंट के बीच में हर एक पॉइंट पर डिस्टेंस वेरी कर रही है डिस्टेंस क्या है वेरिएबल है तो हमें जो डिफ्रेंशिएशन है या जो वर्क डन है वो विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है ठीक है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है सो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क क्या होगा स्मॉल वर्क डन जो है आप कौन सा वर्क डन यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक ठीक है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है या फिर इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में तो वर्क डन भी इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स के लिए वर्क डन स्मॉल वर्क डन इज इक्वस टू वर्क इज इक्वस टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ठीक है नाउ फोर्स देखिए फोर्स इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है एंड डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है तो एंगल क्या होगा डॉट प्रोडक्ट है सो एफ डी आर कॉस्ट थीटा एंड कॉस थीटा विल बी जीरो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है वन सो एफ डॉट डी आर आ गया आपके पास वर्क डन ठीक है नाउ टोटल वर्क डन अ चार्ज ऑन चार्ज क्यू टू फ्रॉम बी टू सी मीन्स अब आपको चार्ज क्यू टू को बी टू सी लाने के लिए टोटल वर्क डन चाहिए सो so, टोटल वर्क डन हम किस तरह से फाइंड करते हैं स्मॉल वर्क डन के जो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स हैं उन सभी को ऐड कर देते हैं ठीक है ऐड करना मीन्स इंटीग्रेशन करना सो so, इसका आप अगर इंटीग्रेशन कर दें तो टोटल वर्क डन आ जाएगा आपके पास एफ डॉट डी आर ठीक है इंटीग्रेशन करें सो so, वर्क डन इज इक्व टू एफ एफ की वैल्यू क्या है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स है ठीक है यहाँ एफ की वैल्यू क्या है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर एंड हेयर डी आर ठीक है अब इनिशियल पॉइंट बी के लिए डिस्टेंस हमने आर वन कंसिडर किया था एंड फाइनल पॉइंट सी के लिए आर टू कंसिडर किया था तो आर वन एंड आर टू ठीक है कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है आपको डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ही चाहिए डेरिवेशन ठीक है तो डिस्टेंस बी तक का आर वन है ठीक है क्यू वन के लिए एंड सी के लिए आर टू सो आर वन टू आर टू तक आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे सो फोर्स इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से k q1 q2 ये तो कांस्टेंट है ये चेंज नहीं होना है चेंज क्या होना है डिस्टेंस सो आर स्क्वेर आर टू टू आर वन एंड वन बाई आर स्क्र डी आर ओके क्या हुआ आपके पास वर्क डन इलेक्ट्रोस्टेटिकोर्स के क्यू वन क्यू टू माइनस वन बाई आर एंड आर वन टू आर टू ओके सो हियर विल बी वर्क डन इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू माइनस साइन है तो बाहर ले लेते हैं माइनस साइन इंटू वन बाई आर टू माइनस वन बाय आर वन ओके ये इक्वेशन है आपकी वर्क डन की ठीक है नाउ ये इक्वेशन है आपकी वर्क डन की वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू माइनस में ओके वन बाय आर टू माइनस वन बाय आर वन पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल हो जाएगा क्या होगा चेंज इन पोटेंशियल डेल यू फाइनल कन्फिग्रेशन माइनस इनिशियल कन्फिग्रेशन ओके इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स ये हमने डेफिनेशन में स्टडी किया है ओके okay. सो so, ये आपका हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस के वर्क डन क्या हुआ माइनस के क्यू वन क्यू टू वन बाई आर टू माइनस आर वन ओके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो के क्यू वन क्यू टू आर टू माइनस वन बाई आर दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस यू इनिशियल नाउ अब क्या करना है आपको एक पॉइंट को आपको अगर ये पॉइंट पर आप इन्फिनिटी ले लें मीन्स इनिशियल जो कन्फिग्रेशन है आप उसे इन्फिनिटी पर ले लें तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जीरो ठीक है मीन्स यू आई जीरो करने के लिए जो डिस्टेंस है इनिशियली डिस्टेंस है आर वन उसे आप इन्फिनिटी पर लेंगे ठीक है और फाइनल को आप इस तरह से सपोज कर लें यू है ठीक है फाइनल so, डिस्टेंस है आपका आर सो द पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू इन टू वन बाई आर टू को आप आर लिखेंगे एंड आर वन के प्लेस पे इन्फिनिटी सो वन बाय इन्फिनिटी ओके यू आई तो आपका क्या हो जाएगा यूएफ माइनस यू आई जीरो सो so, इसे जीरो पुट कर दीजिए के क्यू वन क्यू टू बाय आर हुआ ठीक है एंड दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो फाइनल फार्मूला है आपके पास वो इस तरह से होगा मीन्स इफ वी कंसिडर अ पॉइंट ए एंड एट दिस पॉइंट आपके पास पॉजिटिव चार्ज Q1 है एंड अगेन आपके पास पॉइंट P पर आर डिस्टेंस पर एक चार्ज क्यू टू है तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होगी विल बी डिफाइंड एज इन द फॉर्म ओके पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल होगा दैट इज के क्यू वन क्यू टू बाई आर अब इस फॉर्मूले को आप सेकेंड वे में भी कर सकते हैं इस तरह भी कर सकते हैं देखिए कि अगर आप जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है आपका Q1 एंड Q2 ठीक है क्यू वन एंड क्यू टू को आप इन्फिनिटी पर सपोज कर लें ये दोनों कहाँ पर है इन्फिनिटी पर ओके okay. एंड इसे आप आपके डिजायर पॉइंट पर लाना चाहते हैं इसे आप इसके डिजायर पॉइंट पर लाना चाहते हैं इस कन्फिग्रेशन को आप यहां पर इस पॉइंट पर लाना चाहते हैं ठीक है ये क्या है इनिशियल ये इनिशियल कन्फिग्रेशन है इनिशियल सिस्टम है ऑफ टू चार्जेस का एंड फाइनल कंफिग्रेशन ये होगा आपका ठीक है तो चार्जेस को जब आप इंफिनिटी से आपके डिजायर पॉइंट पर लाते हैं तो वन बाय वन लाना होता है मीन्स पहले आप Q1 चार्ज को लाएंगे तो Q1 चार्ज को लाने के लिए आपको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि यहां पर इसके अगेंस्ट में कोई भी फोर्स वर्क नहीं कर रहा है ठीक है फोर्स नहीं है तो फोर्स के प्लेस पे जीरो सो वर्क डन विल बी जीरो आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ा एंड वर्क डन जीरो है दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी आल्सो जीरो ठीक है अब Q1 को सिंगल चार्ज के लिए हमने बोला था कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है सो सिंगल चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो बट चार्ज Q2 को लाना है अब ठीक है वन बाय वन हम चार्जेस को लेकर आएंगे इन्फिनिटी टू हमारे डिजायर पॉइंट पे अब Q1 तो आ गया अब Q2 को लाना है ठीक है अब क्या लाना है आपको Q2 को तो Q2 जो है जब आएगा इस पॉइंट पर तो Q1 की वजह से यहाँ रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा ठीक है मीन्स इस तरह से आपके टू चार्जेस है ये जो सेकंड चार्ज है ये इस पॉइंट पर आया इसके पास आया बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसके अगेंस्ट वर्क करेगा बट आपका जो एम है वो इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स के अगेंस्ट जाके यहाँ पर इसके पास में लाना है चार्ज को ठीक है इस चार्ज 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 को, को आपको फर्स्ट के पास में लाना है, और जो आपने वर्क डन किया इसको पास में लाने के लिए वही वर्क डन स्टोर होगा पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ठीक है तो हमारा इनिशियल कन्फिग्रेशन ये है फाइनल कन्फिग्रेशन पॉइंट पी पर आपने नेक्यू टू को लेकर आए ठीक है थीके? तो इन्फिनिटी टू पॉइंट पी का जो पोटेंशियल है आप वो पहले डिफाइन कर ले या पहले फाइंड कर ले ठीक है इसके पहले एक और इंपॉर्टेंट थिंग जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स होती है बट यही टर्म पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स होगी ठीक है क्योंकि टोटल वर्क डन होता है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स टोटल जो वर्क डन होता है वो जीरो तो यहां से अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स लें तो एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ठीक है तो इस तरह से भी आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं नाउ हम क्या करते हैं इन्फिनी टू पी अब पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं ठीक है क्या करते हैं पोटेंशियल फाइंड करते हैं सो फाइनल पोटेंशियल फाइनल पॉइंट पी है आपके पास सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट इन्फिनिटी, ठीक है मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल इनिशियल कन्फिग्रेशन ये है और फाइनल कन्फिग्रेशन ये है सो इनिशियल कन्फिग्रेशन के लिए पोटेंशियल जो होगा वो वी इन्फिनीटी एंड फाइनल के लिए वी पी ओके फाइनल माइनस इनिशियली होता है डिफरेंस सो दिस पोटेंशियल इज इक्वल्स टू द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग अ Q2 टू चार्ज अब हम क्यू वन को तो ले आए बचा क्या है Q2 टू चार्ज ठीक है सो इन मूविंग अ Q2 टू चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट पी ओके किसको को मूव कर रहे हैं Q2 टू चार्ज को सो डिवाइडेड बाई क्यू टू चार्ज तो यहां से वर्क डन हो जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू वी वीपी माइनस वी इंफिनिटी मल्टीप्लाई बाई क्यू टू अब वी इन्फिनिटी पोटेंशियल एट इंफिनिटी तो जीरो होगा तो आपके पास ओनली टर्म वीपी इन टू क्यू टू हुआ ओके ये हुआ एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन और एक्सटर्नल एजेंट का जो वर्क डन होता है दैट इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल यू इज इक्वल्स टू वी पी पोटेंशियल एट पॉइंट पी इसकी वजह से हमने शुरू में ही बोला था कि अगर आपके पास एक चार्ज है और सैड डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है तो उसका पोटेंशियल पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू होता है के क्यू Q1 वन है चार्ज आपके पास सो के क्यू वन बाई आर सो वी पी के प्लेस पे आप के क्यू वन रख दें ठीक है एंड बाई आर एंड क्यू टू सो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई ठीक है अब इस तरह से भी पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन को कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं दोनों मेथड्स अप्लाई हैं ओके आई होप आपको ये पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा देखिए अब टू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स यहां पर ये देखिए कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है स्केलर क्वांटिटी है तो पोटेंशियल एनर्जी विथ आपको साइन पुट करना है ठीक है और अगर आप टू सेम चार्जेस ले रहे हैं लाइक चार्जेस ले रहे हैं तो उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ऑलवेज इंक्रीज होगी ठीक है वो ऑलवेज इंक्रीजेस होगी बट अगर आप टू अनलाइक चार्ज ले रहे हैं एक पॉजिटिव ले रहे हैं एक नेगेटिव ले रहे हैं तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस होगी वो कैसे होगी कि देखिए अगर आपने पॉजिटिव चार्ज Q1 लिया दोनों पॉजिटिव चार्ज लिए Q1 वन एंड क्यू अब ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसके अगेंस्ट आपको वर्क डन करना होगा और इसके अगेंस्ट वर्क डन करना होगा तो वो जो वर्क डन होगा अगेंस्ट वो मैक्सिमम होगा इंक्रीज ही होगा बट अगर आप नेगेटिव एक चार्ज को नेगेटिव ले लें एक को पॉजिटिव ले लें तो क्या होगा यहां पर अट्रैक्शन फोर्स होगा और अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट आपको आपस से वर्क करना पड़ेगा और इसके अगेंस्ट वर्क करना होगा तो इस डायरेक्शन में होगा ठीक है तो ये जो है वो चार्जेस दूर दूर जाएंगे ये चार्जेस अगर एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा तो चार्ज कैसे होंगे चार्ज वो अवे हो गए दोनों चार्जेस दूर जाएंगे तो पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल एनर्जी वो डिक्रीज होगी यहाँ पर चार्जेस क्या हो रहे हैं पास आ रहे हैं तो जितना पास चार्जेस होंगे उतने एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी और जितना दूर जाएंगे चार्जेस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी इसीलिए अनलाइक चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है एंड लाइक चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी ठीक है ठीक है लाइक चार्जेस क्या होंगे इलेक्ट्रोसिटिक फोर्स तो रिपेल करेगा बट एक्सटर्नल एजेंट जो है वो उसको उन दोनों को पास आने का ट्राई करेगा दोनों तो पास आएंगे तो इलेक्ट्रिटिक एनर्जी इंक्रीज होगी दोनों दूर जाएंगे तो एनर्जी डिक्रीज होगी ठीक है तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रोसिटिक पोटेंशियल एनर्जी आई होप आपको इसके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसके न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे ठीक है तो हम नेक्स्ट वीडियो में अभी एक दो वीडियो के बाद में न्यूमेरिकल्स भी करेंगे फिलहाल इस वीडियो को एंड करते हैं एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोसिटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो डेरिवेशन प्रूफ करेंगे ओके सो स्टेट यून विद एनपीसी कीप वाचिंग एंड कीप लर्निंग थैंक यू सो मच